लापरवाही की वजह से किसी को ये समस्याएं होती हैं? किडनी जनरली क्रोनिक किडनी डिजीज है, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो कारण कुछ जेनेटिक कारण है जिसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे कारण है मॉडिफाइबल रीजन्स है जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में देखा गया है कि ऑलमोस्ट 30% जितने भी डायबिटिक है, जैसे 100 डायबिटीज पेशेंट को ले लें तो उसमें 30 से 40 पेशेंट को किडनी की बीमारी होती है, सबको नहीं होती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इनिशियली शुरू से ही जब से डायबिटीज़ है आप उसको वेल कंट्रोल में रखें, ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखें डायबिटीज़ को। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसको आप अच्छे से कंट्रोल में रखें, तो ये सब करें। तीसरा है कि लापरवाही, मतलब अगर आपको जैसे कुछ भी हुआ शरीर में, कुछ भी हुआ, आप गए सीधे ओवर द काउंटर केमिस्ट की दुकान पे गए, बोले कि मुझे बीमारी है, मुझे दवा दे दो, उन्होंने दे दिया, अब उसका किडनी पे क्या असर पड़ रहा है ये एक देखने वाली बात है। अगर वो किडनी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग दे दिया जिसके कारण अगर आपको किडनी डैमेज हुआ, ये सब भी देखना है। अगर आप पानी कम पीते हैं, जैसे एक रिनल स्टोन है, रिनल स्टोन किसी किसी में रेगुलर तरह से जेनेटिक टाइप का होता है, या किसी किसी में बार बार स्टोन बनाने की क्षमता होती है शरीर में, तो उन लोग वो लोग अगर कम पानी पी रहे हैं तो स्टोन का प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, स्टोन का साइज़ बढ़ गया, या अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है तो उसका प्रॉपर सही टाइम पर इलाज नहीं करवा रहे हैं, तो ये सब और लेट होते होते क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकता है। और जहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीज किसी को भी हो सकता है, तो कौन ज़्यादा प्रभावित होता है, महिलाएं या पुरुष? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का स्पेक्ट्रम थोड़ा थोड़ा सा अलग है। महिलाओं में थोड़ा सा चेंज है, जो हार्मोनल के कारण कुछ बीमारियां होती हैं जो ज़्यादा कॉमन होती हैं, जैसे एक SLE हम लोग बोलते हैं, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस, तो इसके कारण लूपस नेफ्राइटिस एक बीमारी होती है, तो महिलाओं में ज़्यादा होती हैं, बाकी सब जनरली समान रूप से ही अफेक्ट करते हैं लोगों को। कुछ कुछ और जैसे बोलना चाहूँगा महिलाओं का, जैसे आपने जिक्र किया, तो जैसे प्रेगनेंसी के बाद अगर, या प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने अच्छे से नहीं रखा, जैसे लाइक प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया, तो क्या होता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण भी आपका किडनी का परफ्यूजन ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसके कारण किडनी डैमेज हो सकती है। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान ही होती हैं, जैसे कि एक हम लोग बोलते हैं प्रीक्लेम्सिया, BP वगैरह ज़्यादा बढ़ जाए उसके कारण अगर किडनी डैमेज हो, तो कुछ कुछ महिला के लिए स्पेसिफिक है जो महिलाओं में हो सकती हैं, बाकी बीमारी जनरली कॉमन ही होती है, दोनों में बराबर के करीब ही होती हैं। अगर बात करें बीमारी की, महिलाओं और पुरुषों की बीमारी, जैसे किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या इलाज सेम होता है या फिर दोनों के अलग अलग इलाज होते हैं? किडनी बीमारी का इलाज उसके कॉज पर डिपेंड करता है, जैसे जो कॉज है, जैसे मान लीजिए सिंपली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या फिर कुछ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है जो किडनी को डैमेज कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस बीमारी को ध्यान रखते हुए होता है। और जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड या फिर कुछ और भी है, तो वो डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, लेकिन एट लास्ट, अब ऐसा है कि कभी कभी लास्ट स्टेज हो जाता है जो किडनी रिकवर नहीं कर सकता है, CKD के जैसे बहुत सारे स्टेज होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो लास्ट स्टेज में पड़ गया, तो उसके बाद से जनरली ट्रीटमेंट सेम हो जाता है।